Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत की कथा के बारे में हर कोई जानता है। जब पांडवों और कौरवों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें पांडव विजयी हुए थे, कहा जाता है कि महाभारत के इस विनाशकारी युद्ध के अंत में अश्वत्थामा ने आधी रात के समय पांडवों के सभी पुत्रों का वध कर दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और वो महाभारत काल से लेकर आज तक भटक रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या कलयुग में भी पांडवों का फिर से जन्म हुआ है, और अगर हुआ है तो कहां और किस रूप में है। दरअसल इन सभी सवालों का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। तो चलिए जानते हैं कलयुग में पांडवों का जन्म किसके घर और किस रूप में हुआ। भविष्य पुराण के अनुसार महाभारत युद्ध के अंत में आधी रात के समय अश्वत्थामा, कृतवर्मा और कृपाचार्य ये तीनों पांडवों के शिविर के पास गए और उन्होंने मन ही मन भगवान शिव की आराधना की। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पांडवों के शिविर में प्रवेश करने की आज्ञा दी। भगवान शिव से आज्ञा मिलते ही अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में दाखिल हुआ और पांडवों के सभी पुत्रों का वध करके वहां से निकल गया। जब पांडवों को इस पूरे घटनाक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने इसके लिए भगवान शिव को जिम्मेदार मानते हुए उनसे युद्ध करने के लिए वो पहुंच गए। लेकिन जैसे ही सभी पांडव भगवान शिव से युद्ध करने के लिए उनके सामने पहुंचे, उनके सभी अस्त्र शस्त्र शिव जी में समा गए। इसके बाद भगवान शिव ने पांडवों से कहा कि तुम सभी भगवान श्री कृष्ण के उपासक हो, इसलिए इस जन्म में तुम्हें इस अपराध का फल नहीं मिलेगा, लेकिन इसका फल तुम्हें कलयुग में फिर से जन्म लेकर भोगना पड़ेगा। भगवान शिव की इस बात को सुनकर सभी पांडव बेहद दुखी हुए। फिर वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, उन्होंने उनसे अपनी सारी व्यथा बताई और तब श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि कौन सा पांडव कलयुग में कहां और किसके घर जन्म लेगा। भविष्य पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में अर्जुन का जन्म परिलोक नाम के राजा के यहाँ होगा और वो ब्रह्मानंद नाम से विख्यात होंगे। कलयुग में युधिष्ठिर वत्सराज राजा के पुत्र बनेंगे। श्री कृष्ण ने भीम से कहा कि उनका जन्म कलयुग में वीरण के नाम से होगा और वो वनरस नाम के राज्य के राजा बनेंगे। श्री कृष्ण ने बताया कि कलयुग में नकुल कान्यकुब्ज के राजा रत्नभानु के यहाँ जन्म लेंगे और उन्हें लक्षण के नाम से जाना जाएगा। कलयुग में सहदेव भीम सिंह नामक राजा के घर जन्म लेंगे और उनका नाम देव सिंह होगा। गौरतलब है कि भगवान श्री कृष्ण ने ही पांडवों को बताया था कि कलयुग में पांडवों का जन्म कहाँ और किस रूप में होगा, जिसका जिक्र भविष्य पुराण में किया गया है। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.